हेलो दोस्तों दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप सबके लिए फिर से एक ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ चुका हूँ, तो आप अपनी स्क्रीन के बराबर में देख लीजिए। आज हम इस वीडियो का ट्यूटोरियल देने जा रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफी ट्रेंडिंग में आने वाली है टिकटॉक पर। अगर आप इस वीडियो को अपलोड करते हो बनाकर तो काफी चांस रहेंगे आपकी वीडियो वायरल होने के। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में घंटी को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपको। चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, बताते हैं आपको कैसे बनानी है वाली वीडियो। हाँ तो दोस्तों चलिए अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। दोस्तों मैं काइन मास्टर का प्रो वर्जन यूज करता हूँ, चाहिए तो मेरा वाला काइन मास्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको सिंपली ओपन करेंगे तो काइन मास्टर या प्लस का आइकन आएगा, तो आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते ही यहाँ से आपसे तीन एफसेट रेशियो मांगे जाएंगे, तो आपको बीच वाले रेशियो पर एक बार क्लिक कर देना है 9:16 पर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर एक नया इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा, तो आप देखेंगे आपकी राइट साइड के कॉर्नर पर एक मीडिया का ऑप्शन है, तो मीडिया वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ फर्स्ट में ही ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का, तो आपको बैकग्राउंड में चले जाना है और यहाँ से एक ब्लैक कलर के बैकग्राउंड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड नीचे आ जाएगा, तो आप नीचे वाले बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए और इस येलो वाले पार्ट पर क्लिक कर एक बार इसको स्क्रॉल कर लीजिए 15 सेकंड तक। करने के बाद सिंपली यहाँ से आपको उसको एक बार राइट कर देना है और फिर स्क्रॉल कर दोबारा स्टार्टिंग में आ जाइए। अब दोस्तों आपको मैंने ग्रीन स्क्रीन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपकी वहां से डाउनलोड नहीं होती तो मैंने अपनी टिकटॉक आईडी की भी लिंक दे दी है, आप जाकर टिकटॉक से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको सिंपली उस वीडियो को लाने के लिए लेयर पर क्लिक करना है और लेयर पर क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही चले जाना है मीडिया में। मीडिया में जाने के बाद अब दोस्तों आपकी वो वीडियो जहां भी आपने डाउनलोड कर ली है आप उस वीडियो को वहां से सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने वो अपनी वाली वीडियो ले ली है। अब सिंपली आपको अपनी वीडियो लाने के बाद क्या करना पड़ेगा, इस एरो पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में करिए, वरना यहाँ सीजर के बराबर में एक बॉक्स है, बॉक्स पर क्लिक कीजिए, इस वाइट वाले पर क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन में हो जाती है। अब सिंपली आपको यहाँ से राइट करना है और अब आपको एकदम लास्ट में चले जाना है, जहाँ से आपकी वीडियो ख़त्म होती है वहीं से आपको अपने बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है फिर सीजर में। सीजर में जाने के बाद यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेयर जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर देना है, तो आपके आगे का बैकग्राउंड वहां से रेज हो जाएगा। अब आपको यहां से राइट कर देना है। अब दोस्तों आपको अपनी वीडियो में ग्रीन स्क्रीन वाली जगह सर्च कर लेनी है। अब आपको अपनी ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो पे एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शन खुलकर ओपन हो जाते हैं, तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक ऑप्शन आता है क्रोमा की का, तो आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहां से आपको एक ऑप्शन आएगा अनेबल का, तो आप इसको अनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए मेरा ग्रीन स्क्रीन नहीं हटा है क्योंकि मेरा उसकी जगह पर यहाँ पर ब्लू कलर है, तो मैं अपना उसकी जगह ग्रीन कलर चूज कर लेता हूँ। दोस्तों आपका कोई भी कलर हो उसकी जगह सिंपली आपको ग्रीन कलर ही चूज करना है और फिर राइट कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपकी अपनी वीडियो प्ले कर देख लेता हूँ एक बार, देखिए राइट करके यहाँ से प्ले कर लेता हूँ एक बार वीडियो को। तो दोस्तों देखिए मेरी ग्रीन स्क्रीन हट गया। अब आपको क्या करना है, अपनी वीडियो में एक जगह सर्च कर लेनी है, ये वाली जगह सर्च कर लेनी है। अब दोस्तों आपको अपने एक नॉर्मल कैमरे से वीडियो शूट कर लेनी है, जैसी भी आप चाहते हो वैसी वीडियो शूट कर सकते हो। अगर दोस्तों मैं दिखा देता हूँ मैंने कैसे शूट करी है, उम्मीद करता हूँ आप मेरे से अच्छी ही शूट कर लोगे। अब आपको अपनी वीडियो लाने के लिए भी लेयर में ही जाना है। लेयर पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में ही ऑप्शन आता है मीडिया का, तो आपको मीडिया में चले जाना है और फिर दोस्तों आपकी वो वीडियो जहाँ भी हो आप उस वीडियो को वहाँ से ले लीजिए। दोस्तों देखिए बहुत सी प्रॉब्लम आती है इन बंदों के साथ ये वाली। अगर जैसे आप वीडियो पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको यूज के लिए आता है ये वाला Make 27 ये वाला जो आता है, तो सिंपली आपको इस वाले कॉपी पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही कॉपी पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ लोडिंग लेगा, जैसी लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी वीडियो वहाँ पर कॉपी हो जाएगी। दोस्तों जब तक ये लोडिंग ले रहा है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो दोस्तों देखिए मेरी वीडियो एकदम कॉपी हो गई है। अब आपको क्या करना है, इस एरो पर क्लिक कर अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लीजिए। अगर आपकी वीडियो थोड़ी फालतू का पार्ट है तो आप कट कर सकते हो, तो मेरा थोड़ा सा है तो मैं उसको कट कर लेता हूँ। जैसे मेरा यहाँ से थोड़ा सा है, तो कट करने के लिए क्या करना है, अपने फोटो पर क्लिक करना है और सीजर में जाना है और ट्राई टू राइट ऑफ प्लेहट कर देना है राइट के लिए काटने के लिए, और लेफ्ट के लिए फर्स्ट वाला जो लेफ्ट है ट्राई टू लेफ्ट ऑफ प्लेहट। तो मैं अपना आगे का थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। अब आपको अपनी थोड़ी सी वीडियो पर क्लिक करके रखना है। जैसे आप वीडियो पर क्लिक करेंगे जब तक आपका मोबाइल वाइब्रेट करेगा ना, तो फिर आपको अपनी वीडियो थोड़ी उठाकर आगे कर देनी है। अब आपको सिंपली अपनी वीडियो पर क्लिक करना है। जैसे वीडियो पर क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड में एक 3 डॉट का ऑप्शन आता है, तो आपको 3 डॉट में चले जाना है और यहाँ से एक ऑप्शन है सेंड टू बैक करने का, तो आप सेंड टू बैक कर दीजिए अपने फोटो को यहाँ से, सॉरी अपनी वीडियो को। अब आप अपनी वीडियो पर प्ले कर देख लीजिए।
तो दोस्तों देखिए मेरी वीडियो बनकर एकदम रेडी हो गई है। जब आपकी वीडियो बनकर कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखेंगे आपके राइट लेफ्ट साइड में एक शेयर का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट का, तो आप एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों ये कुछ लोडिंग लेगा, जैसे ही लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी वीडियो आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपको।